Good morning. Now our topic is, we are going to derive the same equations for the uniform accelerating motion, but using the calculus method. In the calculus method, we use variables methods. जैसे वेरिएबल्स हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि वेरिएबल्स को हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब जो टर्म्स चेंज हो रही हैं तो चेंज होने वाले मेथड्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. आपको पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यू नो अभी तक तो आप इस रिलेशन को टू मैथड्स के थ्रू स्टडी कर चुके हैं. फर्स्ट रिलेशन हमारा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. हम यही फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं यूजिंग द कैलकुलस मैथड. As we know, acceleration is given by rate of change in velocity. Acceleration is given by rate of change in velocity. जैसे instantaneous acceleration हम पढ़े, change in velocity upon change in time. And when time approaches to zero, when limit delta t approaches to zero, delta v by delta t is equal to dv by dt. Same हम यहाँ पढ़ रहे हैं, a is equal to dv by dt. क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स, क्या आया हमारे पास, ए इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी. इंटीग्रेशन में ना आपको एक और नहीं बताया, लिमिट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा यहाँ पर, जो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी लिमिट्स की. क्या होता है लिमिट्स, जैसे हम किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, मैं आपको बताऊंगी. इंटीग्रेट बोथ साइड, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. यू नो जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चेंज नहीं होता, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कैसा है, कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर रख देते हैं. तो एक आ गया इंटीग्रेशन से बाहर आ गया डी टी, और यहाँ इंटीग्रेशन किसका, डी वी का, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में. टाइम जीरो से हम कह लेते हैं टी, यहाँ जो लिखी जाती है वो लोअर लिमिट है, और जो ऊपर लिखी जाएगी उसे अपर लिमिट बोलते हैं. जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी होती है, यू, तो ये लोअर लिमिट हो गई. टी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, वी, तो ये अपर लिमिट हो गई. नाउ ए, डी टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको करके बताया था, मैं फिर बता रही हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, वन इंटू डी टी लिख सकते हैं. वन को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर जीरो इंटू डी टी. इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में वन एड करते हैं, तो टी की पावर में वन क्या करो, एड. तो जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन, मतलब टी आ गया. नाउ इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमें क्या मिला, टी मिला. तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ ए इंटू टी, लॉन लिमिट कहां से कहां, जीरो से टी इज इक्वल टू, जैसे डी टी का इंटीग्रेशन टी है, ऐसे डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, और लिमिट कहां से कहां, यू से वी. लिमिट को सोल्व करने का क्या मेथड है, ए इंटू, अब ये इस वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, ये टी है, टी की जगह अपर लिमिट क्या पुट हो गई, टी, माइनस इस टी की जगह लोअर लिमिट कितनी है यहां पर, जीरो, तो t माइनस जीरो इज इक्वल टू, इसकी जगह अपर लिमिट कितनी है, v है, माइनस v की जगह लोअर लिमिट कितनी है, u, मतलब ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू. तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. देखो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहां से हम चलें तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाता हमारा. ओके, v की वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस ए टी इंटू डी टी और इज इक्वल टू डी एक्स. दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन. यहां पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में. टाइम कहाँ है, मिनिमम कितना है, जीरो, और फाइनली कहां तक निकालना है, टी टाइम तक. जीरो पर वेलोसिटी, जीरो पर डिस्प्लेसमेंट, जो ओरिजिन से हमने माना था, आपको ध्यान हो, एक्स नोट, मतलब जीरो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट, और टी टाइम पे एक्स मानना था. करो इंटीग्रेट, इसे खोल दो पहले इंटीग्रेशन को, जीरो से टी यू इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी इंटू डी टी जीरो से टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स नोट से एक्स. ये यू क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में, कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ आती है इंटीग्रेशन से, बाहर. मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी से कितना भी घूम के आ जाए हमेशा कैसी रहेगी, यहां से चलने की तो सेम ही रहेगी, आगे चेंज हो रही है डजंट मैटर, बट यहां कैसी रहेगी हमारी, सेम.
मतलब यू तो कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट टर्म्स कहाँ जाती है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई यू बाहर, और ये जीरो से टी इंटू डी टी प्लस ए क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो ए भी बाहर, और टी तो वेरिएबल है टी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और ये डी एक्स और ये एक्स नोट से एक्स। नाउ यू डी टी का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा आपने, टी होगा लिमिट जीरो से टी, ये लिमिट भी जीरो से टी है, ए एज इट इज। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में वन ऐड करो, वन है, वन में वन ऐड करें कितना हो जाएगा टू, और बाई टू, टू बाहर आ गया, और जीरो से टी। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, और लिमिट कहां से कहां है, एक्स नोट से एक्स। अब पुट करो यू अपर माइनस लोअर यू टी प्लस ए टू अपर लिमिट टी, टी की जगह टी आएगा तो टी स्केयर ही हो गया, और माइनस जीरो एक्स की जगह एक्स माइनस लोअर लिमिट एक्स नोट। एक्स माइनस एक्स नोट को हमने किससे इंडिकेट किया था, एस से, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया।